दोस्तों नमस्कार, आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं फ्रिज में लगे हुए थर्मोस्टेट के बारे में। थर्मोस्टेट को सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं। थर्मोस्टेट का जो मुख्य कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना होता है, लेकिन थर्मोस्टेट को हमें किस मौसम में किसको कहाँ पर सेट करें उसको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह थर्मोस्टेट का एक नोब है। थर्मोस्टेट जिसके अंदर लगा हुआ है, इसकी यह नोब है। इस नोब को किस मौसम में किस पे सेट किया जाए सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक फ्रिज है जो गोदरेज की फ्रिज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गोदरेज की फ्रिज है। तो किसी किसी फ्रिज में ऊपर दिया रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गोदरेज की फ्रिज है इसके टॉप पे थर्मोस्टेट दिया गया। किसी किसी फ्रिज में आप देखेंगे तो थर्मोस्टेट यहाँ इवापोरेटर के साइड में दिया होता है। तो मॉडल के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से थर्मोस्टेट की सेटिंग ऊपर नीचे बनाई जाती है, लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो गोदरेज की जो फ्रिज है यहाँ पे थर्मोस्टेट ऊपर बनाया गया है। तो इसको किस मौसम में किससे सेट किया जाए सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है ज़ीरो लेवल, मतलब सबसे कम ठंडा। यहाँ पे जब आप इसको सेट कर देंगे तो इसका मतलब सबसे कम ठंडा। अगर यहाँ पर इसको इस जैसे देख सकते हैं, जो नोब है रेड कलर का नोब है, इसको मैंने ज़ीरो पे कर दिया है, सबसे कम ठंडा पे कर दिया है। तो लेकिन हमें करना क्या है, जब हमारा यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे देखेंगे विंटर। विंटर मीन्स होता है सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम। जब ठंडी का मौसम रहता है इस नोब को विंटर वाले पे सेट कर देंगे तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे विंटर पे करेंगे, विंटर पे सेट करने के बाद यह चलता रहता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है मानसून। मानसून का मतलब होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थिम्बल भी बना है, एक स्टिकर भी लगा है। तो यहाँ पे बादल का थिम्बल बना है, यहाँ से बूंदे बूंदे निकल रही, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बारिश के मौसम में इस थर्मोस्टेट को यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब चले जाएंगे, अगर फ्रिज को हमारे फ्रिज को नॉर्मल चलाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नॉर्मल भी चला सकते हैं, बीचों बीच कर देंगे तो यह नॉर्मल चलता रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग। स्प्रिंग पे सेट करने के लिए, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, मतलब स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु, जिसको बोला जाता है गुलाबी ठंडी। गुलाबी ठंडी मतलब जो फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वह गुलाबी ठंडी का महीना होता है। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग वाले पे सेट कर देंगे। स्प्रिंग वाले पे आप देख सकते हैं सूर्य भी दिखाई दे रहा है, हल्का सा बादल भी दिखाई दे रहा है, मतलब गुलाबी ठंडी, हल्का ठंडी हल्का गर्मी। तो यहाँ पे आप स्प्रिंग वाले पे सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जब अधिक गर्मी आ जाए, मई जून का महीना आ जाए, तो हमें क्या करना है, समर पे कर देना। समर मीन्स होता है गर्मी। गर्मी पे सेट कर देंगे, गर्मी पे सेट कर देंगे तो यह गर्मी पे चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कोल्डेस्टेट लिखा है। कोल्डेस्ट मीन्स होता है सबसे अधिक ठंडा। अगर आपको सबसे अधिक ठंडा करना है तो आप एकदम यहाँ पे कोल्ड स्टेट पे कर देंगे तो इससे क्या होगा, सबसे अधिक ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी आप देखेंगे थर्मोस्टेट की जो यहाँ पे पूंछ लगी होती है, यहाँ पे आप देखेंगे एवापोरेटर के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट की यह सेटिंग की, यहाँ पे आप यो थर्मोस्टेट टच रहता है तो कभी कभी इस एवापोरेटर में पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, पूरा बर्फ़ जम जाता है। तो बर्फ़ जमने के बाद इसको सही करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का एक पुश करने की बटन है। यहाँ पर लिखा है प्रेस टू टॉप डी फास्ट को आपको करना क्या है, यहाँ पे इस बटन को एक बार इसको पुश करके दबा देना है। दबाने के बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद जो भी इसके अंदर एवापोरेटर के अंदर बर्फ़ जमा रहेगा धीरे धीरे पिघल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर से आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।